नमस्कार, न्यू जालसू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडोता से 27 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 तक होने वाले 51 कुंडात्मक नवदिवसीय श्री रुद्र मायक एवं श्री मग भागवत कथा का होगा मुंडोता में आयोजन। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज किया गया पोस्टर का विमोचन। इस अवसर पर वीरम प्रसाद, शंकरलाल, गोपाल, भगवान साय, सरवण लाल फौजी, बहेश शर्मा, नवरतन, हनुमान साई, मदन लाल, राम गोपाल, बोमा राम, राधेश्याम, गोपाल लाल दाहिल, मंगलचंद सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। यज्ञ का आयोजन ग्राम मुंडोता, कालवाड़, राधाकिशनपुरा, नागल, पिचबड़ी, बुगालिया, मानपुर, जोरापुरा, सुंदरियावास, तिबरिया, लालपुरा पाचार, कंवरकाबास, रामलाकाबास, दुर्जनियावास, सुंदरियावास, मालीवाड़ा, बालाजी की ढाणी, बागड़ावाली, जलोई, रोजदा, मेसवास, नाथपुरा, दादर के समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। मुंडोता से ताराचंद सैनी की यह रिपोर्ट। आज दिनांक 8/11/22 को 10 से 11 बजे तक तेजाजी मंदिर प्रांगण में श्री रुद्र महायज्ञ कार्यकारिणी गठन के लिए सभा का आयोजन किया गया। सभा में ग्राम मुंडोता एवं आसपास के गांव वालों ने भाग लिया और सभी लोगों की सर्वसम्मति से यज्ञ समितियां बनाई गई, जैसे यज्ञ व्यवस्था समिति, भोजन व्यवस्था समिति, वित्त व्यवस्था समिति, पानी एवं ईंधन व्यवस्था समिति। सभी नागरिकों की ओर से सर्वसम्मति से कमेटियों का गठन किया गया है। 27 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक मुंडोता ग्राम में भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में एवं उसके पास निहित 4.5 बीघा भूमि में 51 कुंडात्मक श्री महारुद्र यज्ञ, जो कि 27 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर 2022 तक संपन्न होगा। सर, इसके अंदर में जैसे कोई बैठना चाहे तो क्या? हाँ, इसमें 51 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ रखा गया है। इसमें 42 जोड़ों तक ₹21,000 निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई यजमान कुंड पे बैठना चाहता है तो ₹21,000 जो है वो जमा कराने होंगे। इसके अतिरिक्त यजमान का कोई खर्च नहीं होगा। और इसके अलावा जो 8 कुंड हैं उन पे बोली के द्वारा अर्थात 21,000 से ऊपर भी लगाया जाएगा और प्रधान कुंड जो है वो भी बोली पे छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये 51 कुंडात्मक महारुद्र यज्ञ है और इसमें जो है काफ़ी खर्च आता है, इसीलिए इस खर्च की व्यवस्था को समायोजित करने के लिए सर्वसम्मति से सोच विचार करके एवं महाराज श्री रामपीडर जी महाराज के आदेशानुसार निर्धारित किया गया है। यज्ञकर्ता श्री श्री 1008 श्री रामपीडर जी महाराज के दिशा निर्देशों में यज्ञ होने जा रहा है और याज्ञिक पंडित विष्णु भारद्वाज बराला वाली शास्त्री नगर जयपुर वाले होंगे और उनकी देख रेख में ये यज्ञ होगा। गांव एवं आसपास के गांव वाले एवं ढाणियों वाले सभी लोगों की सहमति यज्ञ हेतु प्रदत्त की गई है। तो सर, इसमें जैसे मुंडोता ग्राम के बैठेंगे या जैसे जयपुर क्षेत्र के, राजस्थान के कहीं से भी हिस्सा ले सकते हैं? कहीं भी यज्ञ होते हैं, संत जो यज्ञ करवाते हैं वो विश्व कल्याण के लिए कराते हैं। विश्व के किसी भी कोने का व्यक्ति यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है अर्थात यजमान बन सकता है। सर, आपका नाम? डॉक्टर के सी शर्मा। ठीक।